तो तालिब मेडिकल एकेडमी, इस लेक्चर में हम लोग इंसुलिन को डिस्कस करेंगे। देखिए इंसुलिन क्या होती है। देखिए इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको डिक्रीज कर देता है या कम कर देता है। अब देखते हैं हम लोग कि इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया। इंसुलिन को फ्रेडरिक जे बेंटिन चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में डिस्कवर किया था। अब हम लोग इंसुलिन की सिंथेसिस पढ़ते हैं कि इंसुलिन को कौन सिंथेसिस करता है। देखिए इंसुलिन की सिंथेसिस को पैंक्रियाज की बीटा सेल्स करती है। ये हमारी क्या है, ये हमारी पैंक्रियाज है, ये हमारी बीटा सेल्स है। ये बीटा सेल इंसुलिन की सिंथेसिस करती है। तो हमने क्या देखा, इंसुलिन की सिंथेसिस पैंक्रियाज की बीटा सेल करती है। पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो सबसे पहले प्री प्रो इंसुलिन की सिंथेसिस करती है। प्री प्रो इंसुलिन एक इनएक्टिव इंसुलिन होती है। अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर हमें जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ही हमें दिख रहा है, ये क्या है, प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। देखते हैं प्री प्रो इंसुलिन में कितने पार्ट होते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो शुरू वाला जो प्री प्रो इंसुलिन का जो इनिशियल ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इनिशियल सिगमेंट या सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को। अब उसके बाद इनिशियल सिगमेंट या सिग्नल सीक्वेंस के बाद ये आगे वाला ये स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बी चैन, बी चैन बोलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए बी चैन, और ये देखिए बी चैन की ये आगे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे सी पेप्टाइड या सी चैन, देखिए, ठीक है ना। और ये देखिए सी चैन के आगे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे ए चैन। तो अब देखते हैं प्री प्रो इंसुलिन जो होता है उसका, उसमें वो 109 अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्री प्रो इंसुलिन में से अगर सिग्नल सीक्वेंस या इनिशियल सेगमेंट को हटा दें, रिमूव कर दें, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रो इंसुलिन। देखिए ये स्ट्रक्चर क्या, प्रो इंसुलिन का। इस प्रो इंसुलिन में क्या है, देखिए सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, ठीक है ना। और आगे क्या, बीटा चैन, देखिए देखिए बीटा चैन है। फिर उसके बाद देखिए सी पेप्टाइड, ये देखिए सी पेप्टाइड है। उसके बाद ये ए चैन, ये देखिए ए चैन है। तो हमने देखा कि प्री प्रो इंसुलिन में से जो इनिशियल सिगमेंट या सिग्नल सीक्वेंस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर रिमूव कर दें, हटा दें, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रो इंसुलिन। तो हम इंसुलिन, ये जो प्रो इंसुलिन बना है ये भी इनएक्टिव होता है। इस प्रो इंसुलिन में 86 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अभी प्रो इंसुलिन में से ये जो सी पेप्टाइड स्ट्रक्चर हटा दे, इस सी पेप्टाइड को या सी चेन को, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रियल में एक्चुअल में एक्टिव पेंसिलिन होता है। तो ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना, ये देखिए हमारा क्या है, बी चेन है, ये देखिए बी चेन है ना, ये देखिए बी चेन है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, प्रो इंसुलिन में उसके बाद क्या, बी चेन के बाद क्या, सी पेप्टाइड है, सी पेप्टाइड है। यहाँ पे देखेंगे सी पेप्टाइड नहीं है, तो सी पेप्टाइड यहाँ, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये क्या, ए चैन है, ठीक है ना। ये देखिए क्या, ए चैन है। तो बी चैन और ए चैन, ये देखिए बी चैन हो गया और ए चैन हो गया। तो बी चैन ए चैन ये दोनों मिलकर के रियल में सच में एक्टिव इंसुलिन बनाती है। यही हमारी मेन इंसुलिन होती है, यही हमारी एक्टिव होती है, यही काम करती है। तो हमने देखा कि एक्टिव इंसुलिन उसको कहते हैं जब, देखिए प्रो इंसुलिन में से अगर जो सी पेप्टाइड वाला जो स्ट्रक्चर है उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको कट कर दिया जाए, तो जो स्ट्रक्चर बचेगा ए चैन और बी चैन, ये क्या रियल में सच में ये एक्टिव इंसुलिन, एक्टिव इंसुलिन होता है। अब हम लोग इंसुलिन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। देखिए इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, एक ए पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, दूसरा बी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। देखिए ये ए है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया,
ये देखिए बी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया। तो ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में लिंक होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं दो सल्फाइड बॉन्ड से। ये देखिए ए चेन बी चेन ये आपस में जुड़े हुए हैं, इससे दो सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अच्छा ए जो चेन होता है उसमें 21 अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि बी चेन होता है उसमें 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो होल एक्टिव ह्यूमन इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 21 ए चेन के में अमाइनो एसिड्स होते हैं, जबकि 30 बी चेन में अमाइनो एसिड होते हैं। अब हम लोग इंसुलिन की सिक्रेशन की मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन इंसुलिन की सिक्रेशन की मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ जाते हैं। अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ जाएंगे तो आसानी से हम लोग इंसुलिन की सिक्रेशन की मैकेनिज्म को हमको समझ जाएंगे। देखिए हमारे क्या है, पैंक्रियास की बीटा सेल्स हैं, देखिए ठीक है ना, पैंक्रियास की बीटा सेल्स हैं, ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे हम देखे हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलेंगे गलत टू, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन पर ही एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन बीटा सेल की सेल मेम्ब्रेन पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल या वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है ना। नॉर्मली होता क्या, नॉर्मली होता है कि ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल हमेशा ओपन रहता है। जब ये एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल हमेशा जब ओपन होता है तो पोटेशियम बीटा सेल के अंदर से बीटा सेल के बाहर हमेशा निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से बीटा सेल के अंदर निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से बीटा सेल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता है, ठीक है ना। इस समय बीटा सेल क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। देखिए जैसे ही ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है, ग्लूकोज ब्लड से इस गलत टू के थ्रू बीटा सेल के अंदर आ जाता है। ये बीटा सेल के अंदर अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के बाद ग्लूकोज से एटीपी बनती है। तो ये एटीपी जब बनती है तो एटीपी और एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। जब एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो ये पोटेशियम बीटा सेल के अंदर से बीटा सेल के बाहर एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल के थ्रू नहीं जा पाएगा। जब पोटेशियम बीटा सेल के अंदर से बीटा सेल के बाहर एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगा तो बीटा सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और निगेटिव चार्ज घटेगा होगा। तो कहने का मतलब कि अब बीटा सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, मतलब अब बीटा सेल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। जब बीटा सेल डीपोलराइज हो जाएगी तो ये वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम बीटा सेल के बाहर से वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल के थ्रू बीटा सेल के अंदर आता है। अब बीटा सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब बीटा सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस कैल्शियम की वजह से ये हम देख रहे हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, इस सिक्रेटरी वेसिकल के अंदर ये इंसुलिन स्टोर है। तो ये जो कैल्शियम का लेवल बीटा सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये वेसिकल ये बीटा सेल की सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी। जब ये सिक्रेटरी वेसिकल बीटा सेल के सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी तो इंसुलिन ब्लड में रिलीज होगा। अब हम लोग इंसुलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए इंसुलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले इंसुलिन रिसेप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम लोग इंसुलिन रिसेप्टर को समझ जाएंगे तो हम लोग आसानी से इंसुलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ जाएंगे। ये हमारी मसल्स है, ठीक है ना, स्पेशली ये क्या हमारी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है ना। ये देखिए स्केलेटल मसल की ये सेल मेम्ब्रेन है, स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन पे यस ये क्या देख रहे हैं, क्या इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। देखिए इंसुलिन रिसेप्टर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ये देखिए सेल की सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। इंसुलिन रिसेप्टर
में दो अल्फा सब यूनिट होते हैं। देखिए, एक अल्फा सब यूनिट ये हो गई, एक अल्फा सब यूनिट ये हो गई। तो इस तरीके से दो अल्फा सब यूनिट हो गए। और इंसुलिन रिसेप्टर में दो बीटा सब यूनिट होती है। ये देखिए एक बीटा सब यूनिट, ये देखिए एक बीटा सब यूनिट, ये दो सब यूनिट हो गई, ठीक है ना। अब इंसुलिन जो अल्फा सब यूनिट होती है सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। ये सेल है, सेल के बाहर अल्फा सब यूनिट है, जबकि बीटा सब यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये देखिए बीटा सब यूनिट है, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब हम लोग इंसुलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि इंसुलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है। इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर की अल्फा सब यूनिट से बाइंड करते हैं। जैसे ही इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर की अल्फा सब यूनिट से बाइंड करते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर की बीटा सब यूनिट के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है। जैसे ही बीटा सब यूनिट के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आती है, तो बीटा सब यूनिट में टायरोसिन रेसिड्यू होती है। ये टायरोसिन रेसिड्यू का फास्फोराइलेशन हो जाता है। देखिए, जब टायरोसिन रेसिड्यू फास्फोराइलेट करती है, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट या IRS ये फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से बाइंड करती है। जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट या IRS ये इस फास्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से बाइंड करती है, ठीक है, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट या IRS फास्फोराइलेट हो जाती है। ये देखिए फास्फेट फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल थ्री काइनेज फास्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट या IRS से बाइंड करती है। जब PI3K या फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल थ्री काइनेज फास्फोराइलेटेड इंसुलिन रिसेप्टर सब्सट्रेट या IRS से बाइंड करती है, तो PI3K एक्टिवेट हो जाती है। जब PI3K या फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल थ्री काइनेज एक्टिवेट हो जाती है, देखिए एक्टिवेटेड फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल थ्री काइनेज फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5-बिसफास्फेट या PIP2 को फास्फोराइलेट कर देती है। फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल 3,4,5-ट्रिसफास्फेट या PI3 में फास्फोराइलेटेड PIP3 या फास्फेटिडाइल इनोसिटॉल 3-फास्फेट फास्फेटिडाइल डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट कर देती है। ये फास्फेटिडाइल डिपेंडेंट काइनेज AKT या PKB प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेटेड AKT या PKB मसल्स के साइटोप्लाज्म में ब्लड फोर जो प्रेजेंट रहता है, इस ब्लड फोर को मसल्स के सेल मेम्ब्रेन पर इंसर्ट कर देती है। जब ये ब्लड फोर सेल मेम्ब्रेन पर इंसर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज ब्लड से इस ब्लड फोर के थ्रू मसल्स के अंदर आ जाता है। तो इस तरह ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंसुलिन रेगुलेट करती है। अब हम लोग इंसुलिन के साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंसुलिन के जो साइड इफेक्ट होता है, और देखिए वो क्या है, वेट गेन हो जाता है, ठीक है ना। वेट गेन है, कॉन्स्टिपेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, और जिस जगह पे इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं वहां पे ईचिंग भी होती है। दीज आर द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। अब हम लोग इंसुलिन के यूजेस को डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन का यूज कहाँ पे होता है। देखिए, इंसुलिन का यूज डायबिटीज में किया जाता है। इंसुलिन का ज्यादातर यूज टाइप 1 डायबिटीज में किया जाता है। इंसुलिन का यूज टाइप 2 डायबिटीज में भी किया जाता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जब ड्रग देने के बाद भी इंसुलिन का लेवल कम होता है, उस कंडीशंस में इंसुलिन टाइप 2 में दी जाती है।